नगर पालिका से संबंधित समस्याओं को लेकर क्रांति सेना ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, भारी पुलिस बल रहा तैनात। क्रांति सेना के कार्यकर्ता नगर पालिका की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज क्रांति सेना के कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसके बाद उनके द्वारा नगर पालिका में प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए भारी पुलिस बल प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना कार्यालय पर तैनात कर दिया गया, जिसमें उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने बताया कि जहाँ एक ओर कोरोना काल के बाद से ही आम जन समस्याओं से जूझ रहा है और व्यापारी वर्ग काफी परेशान है, ऐसे में नगर पालिका द्वारा ग्रह और जलकर काफी बढ़ाकर भेजे गए हैं, जो कि सीधा सीधा उत्पीड़न नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि ग्रह कर और जलकर में जो बढ़ोतरी की गई है वह वापस ली जाए और अन्य जन समस्याओं का समाधान हो। क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाने का कार्य कर रही है। हमारे द्वारा आज नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव किया जाना था, जिसमें पुलिस ने हमारी घेराबंदी करके नहीं जाने दिया। इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पार्टी कार्यालय पर ही सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और पार्टी ने कहा यदि एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो क्रांति सेना सड़कों पर होगी और आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। क्रांति सेना किस तरह की आपने प्रदर्शन और किस चीज को लेकर आज नगर पालिका की विभिन्न समस्याओं को लेकर क्रांति सेना का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था और उसी के तहत आज पार्टी के लोग कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। जो पिछले दिनों नगर पालिका प्रशासन ने अभी हाउस टैक्स में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की है, कई कई गुना हाउस टैक्सों को वाटर टैक्सों को बढ़ा दिया गया है, एक तरीके से जनता के उत्पीड़न का मामला है। जहाँ कोरोना महामारी से देशवासी जूझ रहे हैं, व्यापार काम धंधे सब चौपट हैं, लेकिन ऐसे में सरकार या सरकार का एक अंग नगर पालिका वो लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर क्रांति सेना का आज विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव होना था, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने सवेरे से ही पार्टी का कार्यालय घेरा हुआ था और उनकी कोशिश थी कि ये आंदोलन ना हो पाए। और चूंकि पिछले दिनों अभी पुलिस के साथ पार्टी की दो तीन बार झड़प भी हो चुकी है, इन सब मुद्दों को लेकर सरकार हिटलर शाही का प्रयोग कर रही है। सरकार के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज़ हो उसको दबाने का ये प्रशासन का कर्म है, लेकिन पार्टी ने आज सिटी मजिस्ट्रेट को अपने कार्यालय पर बुलाकर ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि यदि जनता का उत्पीड़न नहीं रुका या ज्ञापन में दी हुई जो जन समस्या उनका समाधान एक हफ्ते के अंदर ना हुआ तो पार्टी पुनः एक हफ्ते बाद सड़कों पर आएगी शासन प्रशासन के खिलाफ। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े चाहे लाठी खानी पड़े, पार्टी किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। ठीक।